वेलकम बोध, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हाउ वाज योर बर्थडे सेलिब्रेशन? वैसे शर्ट बड़ी चमक रही है आपकी। एनीवे आज श्वेता का, कल श्वेता का बर्थडे था तो आज वो नहीं आ रही है। एनीवेज टुडे आज हम लोगों ने ब्रिंगर्स ऑफ डॉन ये बुक के बारे में मैंने सोचा था कि मैं बताऊंगी। ये मैं बुक दोबारा से सुन रही हूँ और एक वर्कशॉप भी है PSSM में, जो पत्री जी का ग्रुप है उसमें एक वर्कशॉप भी है। आई थिंक थर्ड से, और नहीं शायद 5 से 15 या ऐसा कुछ है, ब्रिंगर्स ऑफ डॉन के बारे में 10 दिन की वर्कशॉप है। रामा राजू सर भी होंगे, मैंने आपको लिंक ओ भी माय भेजा गॉड, था। हाँ बड़े दिन हुए उनको सुने हुए। हाँ आप JTT पे में थे तो सुनते ही होंगे तब उनको। सुनते थे, मतलब GTP में तो मैं अभी भी हूँ लेकिन आपको नहीं हाँ आता। वो तो ग्रुप में, मतलब आप तो खैर खत्म हो गया, आप तो दूसरे टॉपिक शुरू हो गए, मतलब मेन JTTP तो शुरू हो गया। तो एनीवे ये बार ब्रिंगर्स ऑफ डॉन ये जो बुक है वो क्यों मेरे को मतलब काफी अच्छी लग रही है और मैं उसके वर्कशॉप में भी जा रही हूँ इसके लिए, क्योंकि एक तो ये बुक चैनल्ड है। 1988 में बारबरा मार्मरिक ऐसे नाम है उनका, उनको ये बुक पिलिडियन बीइंग्स ने चैनल की। तो पिलिडियन क्या है, आपने सुना ये नाम पहले? पिलिडियन एंड्री पैलेडियो मैंने सुना है, वो तो नहीं है? एंड्री पैलेडियो तो नहीं है, वो तो साइंटिस्ट है ना? आर्किटेक्ट है, स्कल्पचर आर्टिस्ट। अच्छा नहीं, आर्किटेक्चर से नहीं है। तो हमारा जैसे ये मिल्की वे सोलर सिस्टम है, ये पूरे मतलब जैसे पूरे यूनिवर्स में इट्स सपोज टू बी ऑन द फ्रिंजेस। ब्रिंगर्स ऑफ डॉन में ये लिखा ओके गया है कि जो हमारा मिल्की सिस्टम है वो सेंट्रल, अगर कोई सेंटर माना जाए यूनिवर्स का, तो उससे उसके फ्रिंज पर है। और जो एक सेंट्रल पॉइंट है वहां पर हमारा जैसे सन है, वहां पर भी एक सन है, सेंट्रल सन। मतलब जैसे हमारा स्टार है जो सन है, वैसे ही कई सारे सन है। और जो पेलिडियन जिस स्टार सिस्टम है वो उस सन के चारों तरफ घूमता है, जो कि एक सेंट्रल सन मतलब माना गया है। तो ब्रिंगर्स ऑफ डॉन ने पहले तो अपना वो बताया कि हम कौन हैं, हम क्यों आपसे बात कर रहे हैं। और फिर वो इसके लिए बोलते हैं कि जब आपकी अर्थ की स्थापना हो रही थी तो हमारे पूर्वजों ने भी अर्थ की कैसी संरचना होनी चाहिए, क्या उसका सिस्टम होना चाहिए, इसमें बहुत मतलब कोलैबोरेट किया है। तो इसलिए हम इस वक्त आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं अर्थ बीइंग से, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है कि दैट योर एंटायर प्लैनेट, लाइक सो नॉट ओनली द प्लैनेट बट लाइक द पीपल लिविंग, एवरीथिंग इज ऑन एन एसेंशन। जैसे हिंदुइज्म में भी हम बोलते हैं ना कि कलयुग की समाप्ति के है और सतयुग आएगा। और अगर हम न्यू एज पढ़ते हैं तो उसमें भी लिख रहा है कि आजकल सारे एसेंशन हो रहे हैं, या काफी सारे मतलब एनर्जीज इतनी आ गई हैं कि सारे लोग, या थर्ड आई ओपन हो रही है, कि पहले जमाने में बहुत तप करना पड़ता था लेकिन अब वो आसान हो गया है। तो दैट्स वाई, तो वो पेलिडियंस वो कहते हैं कि हम इसलिए आपके साथ मतलब कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर लाइक फ्रॉम द सेम फैमिली, हमारे पूर्वज एक जैसे एक ही थे। और तो यहाँ से बुक शुरू होती है। फिर वो धीरे धीरे बोलते हैं कि वाई, फिर वो DNA के बारे में बताने लगते हैं बुक में, कि जो हमारा DNA का जो स्ट्रैंड है वो कितना एक्टिवेटेड है और कितना एक्टिवेटेड नहीं है। तो हमें क्यों मेडिटेशन करना चाहिए, क्यों हमें ये DNA को एक्टिवेट करना चाहिए, और DNA को एक्टिवेट करने का उनका जो, मेरी समझ में जो बुक में बोल रहे हैं कि DNA एक्टिवेट से जो चक्रा सिस्टम है वो भी पूरे मतलब एक किस्म से अलाइव हो जाते हैं। कहने का अर्थ, अगर मेरे पास वो 7 चक्रास नहीं, वो 12 चक्रास के बारे में उस बुक में बात करते हैं, तो अगर मैं, मेरे सिर्फ 3 चक्र ही जैसे अलाइव हैं
और मेरे अगर 5 6 चक्र अलाइव हो जाते हैं तो मुझे अपनी ही नॉलेज जो मेरे अंदर ही है वो सारी नॉलेज एक किस्म से मेरे लिए अवेलेबल हो जाती है, मेरे को कहीं और ढूंढना नहीं पड़ता है। तो इसके लिए ये डीएनए एक्टिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, या ये कह लो कि चक्र को एक्टिवेट करना, अलाइव बनाना, इसकी जरूरत है। और इसका क्या है, ब्रेथ एंड मेडिटेशन। इसके अलावा भी कई चीजें उन्होंने कही है कि मतलब खाना कैसे होना चाहिए, एक्सरसाइज कैसे करना चाहिए, मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, और इस तरह से वो बुक आगे बढ़ते रहती है। तो अभी मैं, वैसे तो 1 साल पहले मैंने बुक पढ़ी थी, लेकिन मैं अब दोबारा से उस बुक को पढ़ रही हूँ, तो मुझे बुक बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। ओके क्या नाम है? ब्रैडल एंड डॉन। ब्रिंगर्स ऑफ डॉन। ब्रिंगर्स ऑफ डॉन। हाँ, ब्रिंगर्स ऑफ डॉन। अच्छा ओके, ये अमेज़न डॉट इन पर मिल जाएगा। हाँ, आपको कहाँ से मिलेगी? मुझे तो, मैंने तो ऑडिबल से हेलो। इसको सुना है, मैंने पढ़ी भी नहीं है ये बुक, मैंने सुनी है, अब मैं दोबारा से सुन रही हूँ इस बुक को। मैंने ओ बारबरा, ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन। ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन। आप ऑडियो बुक सुन रहे हो? टीचिंग्स फ्रॉम द लेडियंस, बारबरा मार्सिनिया, मार्सिनिया। गुड। अमेज़न पर है ये बुक अवेलेबल। आपने स्क्रीन शेयर किया क्या? हाँ, ओके ओ ऑडिबल। ओके एनी कॉमेंट, एनीथिंग यू वॉन्ट टू से आर? अभी तो कोई कमेंट न्यू फॉर मी, सो आई डोंट सो मे बी आई विल रीड द बुक एंड डिस्कस विद यू इन डिटेल अबाउट थैंक द यू। बुक, बट इट्स डेफिनेटली ए न्यू कॉन्सेप्ट, लुकिंग गुड, गुड वैसे टू मैंने मतलब एक एक्सप्लोर। चीज थोड़ा, मैं इसमें आज पहले से ही ये बताया गया है कि हम क्यों ऐसा, हमें लगता है कि मैं कुछ जानती नहीं हूँ, या हमें क्यों अवेकनिंग की ऐसे मन में ख्वाहिश रहती कि मैं कुछ जान लूँ, मैं कुछ जान लूँ। तो वो ये है कि जब हम मतलब धरती पर आते हैं, तो अगर हमारा 100% कोई स्वरूप है, तो हम उसका 10 या 20 या 15% ही लेकर आते हैं। तो वो एक एक किस्म से एक अट्रैक्शन बना रहता है कि अरे व्हाट इज दैट आई डोंट हैव और डोंट नो, या व्हाई डू आई फील सॉर्ट ऑफ यू नो लाइक कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो इट इज लाइक यू नो, परसेंटेज ऑफ एनर्जी दैट वी ब्रिंग इन फ्रॉम आर होल सेल्फ इज ऑल्सो वेरी लिमिटेड। बट द बेसिक कॉन्सेप्ट उनका ये है ब्रिंगर्स ऑफ डॉन में, कि वो जो भी है, आप 10% हो, 15% हो, वो तो आप कर, बट हाउ टू यू नो गो बियॉन्ड दिस सर्कल ऑफ डेथ एंड मतलब जो जबरदस्ती तो नहीं, मतलब ये जो साइकिल है जो हमें करनी ही पड़ती है डेथ एंड बर्थ की, उसको हम कैसे समझे, उससे बाहर कैसे निकले। जैसे कई सारे टीचर्स आते हैं, वो कोई जरूरी नहीं है कि वो दोबारा से बर्थ लेंगे, वो एक बार बर्थ लेते हैं, फिर अपना काम करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो हाउ कैन वी बी ऑल्सो दैट, तो ये पूरा उसका जिस्ट है उस बुक का। बट इट स्टार्ट फ्रॉम लाइक दिस, कि अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर आगे बताते हैं कि कैसे हमारा जो डीएनए को थोड़ा श्रिंक किया गया, एंड देन व्हाट आर द वेज दैट यू कैन
अनश्रिंक और एक्सपांड ऑन योर डीएनए, हाउ कैन यू एक्टिवेट योर हाँ कॉन्सेप्ट नया है, इसीलिए मुझे मतलब एक तो जब मैंने पहली बार पढ़ा था 2 साल पहले सुना था तो मेरे को ऐसे लगता था अरे ये थोड़ा सा मतलब बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड है, पर क्योंकि अब मैंने 2 साल में और भी रिलेटेड नॉलेज गेन कर लिया है इसलिए मेरे अब दोबारा से पढ़ने का मन कर रहा है, खासकर अभी एक वर्कशॉप भी इस पर 10 दिन की शुरू होने वाली है PSSL में, तो बस को री अभी रीड कर। श्रेयांश दागा की वर्कशॉप भी शुरू होने वाली है। हाँ।